आईपीएल 2023 के एडिशन की शुरुआत में अब भी यहाँ पर लगभग 2 महीने का समय बचा है, लेकिन आईपीएल से 2 महीने पहले बीसीसीआई ने आईपीएल 2023 के एडिशन के लिए 10 यहाँ पर नए जबरदस्त नियम लागू कर दिए। कुल मिला करें आईपीएल 2023 के एडिशन को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बीसीसीआई ने अब आईपीएल में 10 नए नियम 10 नए बदलाव कर दिए। मैं इस वीडियो में आपको उन 10 नियमों के बारे में बताऊंगा, आपको बताऊंगा बीसीसीआई ने कौन से नए नियम कौन से नए बदलाव आखिर आईपीएल में कर दिए। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात कर लेते हैं कि बीसीसीआई ने कौन से 10 नए नियम आईपीएल में लागू कर दिए, कौन से 10 नियमों और कौन से 10 बदलावों के साथ हमें आईपीएल 2023 का एडिशन देखने को मिलेगा। तो जो पहला बदलाव यहाँ पर आईपीएल में किया गया वो किया गया इंपैक्ट प्लेयर को लेकर। दरअसल आईपीएल में बिग बैश लीग का नियम यहाँ पर आईपीएल में लागू हो चुका है, जहां पर आईपीएल में हमें इंपैक्ट प्लेयर का नियम देखने को मिलेगा, यानी पारी के 14 ओवर तक यहाँ पर प्लेइंग 11 के अलावा यहाँ पर 12वें प्लेयर को यहाँ पर टीम में शामिल किया जा सकता है। कुल मिलाकर अगर यहाँ पर कोई बॉलर अधिक मार खा रहा हो तो उस बॉलर को किसी और बॉलर से यहाँ पर रिप्लेस किया जा सकता है, और अगर किसी बल्लेबाज का यहाँ पर अच्छा फॉर्म ना हो तो उस बल्लेबाज को किसी और बल्लेबाज से यहाँ पर पारी के बीच में रिप्लेस किया जा सकता है। तो इस प्रकार का अब नियम बीसीसीआई ने इस साल के आईपीएल में लागू कर दिया, तो कुल मिलाकर इससे आईपीएल अब और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बात कर लेते हैं यहां पर दूसरे नियम की, तो जो दूसरा नियम आईपीएल में लागू हुआ है वो है पावर सर्च को लेकर। दरअसल बीसीसीआई अब बिग बैश लीग की तरह आईपीएल में पावर सर्च का यहां पर प्रयोग कर सकता है, जहां पर 99% बीसीसीआई ने इस नियम पर अपनी अनुमति दे दी है। जहां पर पावर सर्च में यहां पर 20 ओवर में जो 6 ओवर का पावर प्ले होता है वो लगातार टीमों को नहीं मिलेगा, टीमों को केवल शुरू के 4 ओवर पावर प्ले के मिलेंगे, बचे हुए 2 ओवर पावर प्ले के टीमें 10वें ओवर के बाद कभी भी ले सकती है। बल्लेबाजी टीम 10वें ओवर के बाद वो बचे हुए 2 ओवर कभी भी ले सकती है। फॉर एग्जांपल मुंबई चेन्नई का मैच है, मुंबई के शुरू के 4 ओवर पावर प्ले के हो जाने के बाद मुंबई की टीम 15 ओवर के बाद पावर प्ले के 2 ओवर बचे हुए लेती, तो 15 से 17 ओवर पावर प्ले का ओवर रहेगा। तो कुल मिलाकर इन 2 ओवर में काफी अधिक पिटाई हो सकती है, काफी अधिक रन बन सकते हैं। तो पावर सर्च का नियम अब आईपीएल में यहां पर काफी बदलाव ला सकता है, आईपीएल को अब ये नियम और भी इंटरेस्टिंग कर देगा। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग ये सही नियम है या फिर नहीं। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे नियम की, तो जो तीसरा नियम है वो है यहां पर इनिंग्स की टाइमिंग को लेकर। दरअसल एक पारी में यहां पर 95 मिनट में अब यहाँ पर 20 ओवर कंप्लीट करने होंगे। बीसीसीआई ने स्ट्रिक्टली ये नियम बना दिया है कि 95 मिनट में यहाँ पर एक टीम को 20 ओवर कंप्लीट करने होंगे। अगर वो टीम 20 ओवर कंप्लीट नहीं कर पाती तो उस टीम को वार्निंग नहीं मिलेगी, बल्कि अगले मैच से उस टीम के कप्तान पर यहाँ पर एक मैच की पाबंदी लगा दी जाएगी। और दूसरी बार अगर कप्तान ऐसी यहाँ पर 95 मिनट में ओवर नहीं करा पाता है तो उस कप्तान को पूरे आईपीएल एडिशन से बैन कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर इस प्रकार का स्ट्रिक्ट नियम अब बीसीसीआई ने यहाँ पर आईपीएल में लागू कर दिया, जहां पर हमने देखा कि आईपीएल के मुकाबले रात 12 बजे तक चले जाते हैं, जहां पर चार घंटे में खत्म होने के बजाय 5-5 घंटे आईपीएल के मुकाबले हो जाते हैं। तो इसी वजह से ये नियम लागू किया गया। आप कमेंट करके बताइए आपको ये नियम सही लगा है या फिर नहीं। अब हम बात कर लेते हैं पांचवें नियम की, तो जो पांचवा नियम निकल कर आता है वो आता है बैटर को लेकर। दरअसल बल्लेबाज को केवल 1 मिनट के अंदर अंदर मैदान में होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर टीम का पहला विकेट होता है तो जो नंबर 3 पर जो बल्लेबाज आएगा उसको विकेट होने के बाद 1 मिनट के अंदर अंदर मैदान में आना होगा। अगर वो 1 मिनट में पिच पर नहीं आ पाता है तो उस बल्लेबाज को आउट घोषित कर दिया जाएगा, जहां पर कुछ बल्लेबाज अंदर आने में काफी अधिक समय लगाते हैं। तो इस प्रकार का नियम भी बीसीसीआई ने काफी सही है आईपीएल में अप्लाई कर दिया। आप कमेंट करके बताइए सही नियम है या फिर नहीं। अब बात करते हैं पांचवें नियम की, तो ये पांचवा नियम है वो है यहाँ पर क्राउड को लेकर। दरअसल आईपीएल में लंबे समय बाद हमें 100% कैपेसिटी के साथ यहाँ पर मुकाबले देखने को मिलेंगे, जहां पर इस साल आईपीएल में 100% क्राउडों का कोविड अब समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पर 100% क्राउड वो बिना मास्क के हमें आईपीएल में देखने को मिलेगा, तो ये बड़ी खुशखबरी यहाँ पर सभी फैंस के लिए। आप अपनी फेवरेट टीम को उनके होम ग्राउंड में यहाँ पर जाकर देख सकते हो। अब बात करते हैं छठे नियम की, तो जो छठा नियम है वो यहाँ पर होम और अवे के कंसेप्ट को लेकर। दरअसल इस आईपीएल एडिशन में हमें दोबारा से होम और अवे का कंसेप्ट देखने को मिलेगा, यानी सभी टीम अपने होम ग्राउंड में मैचेस खेलेगी और अवे ग्राउंड में यहाँ पर मैचेस खेलेगी। पिछले साल तो महाराष्ट्र में इसके साथ ही दिल्ली में यहाँ पर पूरा आईपीएल हुआ था और आखिरी मुकाबला अहमदाबाद में हुआ था, लेकिन इस साल यहाँ पर सभी 200 टीमों के होम ग्राउंड में मुकाबले होंगे और यहाँ पर अवे ग्राउंड में मुकाबले होंगे। तो होम और अवे का कंसेप्ट दोबारा से हमें आईपीएल में देखने को मिलेगा। बात करते हैं सातवें नियम की, तो सातवां नियम निकल कर आता है वो आता है 2 जर्सी को लेकर। दरअसल इस आईपीएल एडिशन में यहाँ पर 99% कंफर्म है कि यहाँ पर सभी 200 टीमें हमें 2 जर्सीज का प्रयोग करती हुई दिखेगी, जहाँ पर होम ग्राउंड में यहाँ पर अलग जर्सीज का और अवे ग्राउंड में यहाँ पर अलग जर्सीज का प्रयोग करेगी। 99% इस नियम को भी अब बीसीसीआई यहाँ पर कंफर्म कर चुका है। इससे पहले यहाँ पर टीमों की मर्जी होती थी टीमें 2 जर्सीज का प्रयोग करें या फिर नहीं, लेकिन इस साल बीसीसीआई अब ये मैंडेटरी करने वाला है। तो 2 जर्सीज में हमें 99% इस साल यहाँ पर टीमें आईपीएल खेलती हुई दिखेगी, जहाँ पर मुंबई की टीम वानखेड़े में अलग जर्सीज का प्रयोग करेगी और दूसरे ग्राउंड में यहाँ पर अलग जर्सीज का प्रयोग करेगी। आप कमेंट करके बताइए
आपके अकॉर्डिंग ये सही नियम है या फिर नहीं। अब बात कर लेते हैं आठवें बदलाव आठवें नियम की। तो जो आठवां नियम निकल कर आता है वो आता है स्टंप को लेकर। दरअसल यहाँ पर इस साल BCCI ने एक काफी चौंकाने वाला फैसला लिया, जहां पर हमने कई बार देखा है कि यहाँ पर स्टंप पर बॉल लगती है, लाइट जलती है, लेकिन बेल नहीं गिरती है, तो बल्लेबाज को आउट नहीं दिया जाता। यहाँ पर ये कई बार हुआ है, लेकिन इस बार BCCI ने ये कहा है कि अगर बॉल यहाँ पर स्टंप पर लगती है और लाइट अगर जल जाती है तो यहाँ पर बल्लेबाज को आउट दिया जाएगा। अगर बेल नहीं गिरे इसके बावजूद लाइट जलना यहाँ पर बल्लेबाज को आउट दिए जाने का संकेत है। तो अगर लाइट जल जाती है तो बल्लेबाज को आउट दिया जाएगा, बेल गिरने का यहाँ पर इंतजार नहीं किया जाएगा। जहाँ पर हमने देखा है कई सारे केसेस में यहाँ पर स्टंप को बीच में लगकर बॉल जाती है, इसके बावजूद यहाँ पर बेल नहीं गिरती है, तो इस केस में अब बल्लेबाज को आउट दिया जाएगा। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या सही नियम सही बदलाव है या फिर नहीं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नवे नए नियम की। तो जो नवा नियम अप्लाई हुआ है वो है पांच ओवरसीज प्लेयर्स को लेकर। दरअसल इस साल 99% BCCI ने इस नियम को भी अपनी तरफ से अप्रूवल दे दिया, जहां पर प्लेइंग 11 में हमें मोस्ट लाइकली यहाँ पर पांच विदेशी खिलाड़ी देखने को मिलेंगे, जहां पर इंपैक्ट प्लेयर में विदेशी प्लेयर का यूज नहीं किया जा सकता है, केवल इंडियन प्लेयर को इंपैक्ट प्लेयर में यूज किया जाएगा। इसी वजह से अब पांच विदेशी खिलाड़ी हमें प्लेइंग 11 में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो BCCI ने अब इस नियम को भी 99% अप्रूवल दे दिया, पांच विदेशी खिलाड़ियों के साथ IPL 2023 का एडिशन अब मोस्ट लाइकली हमें देखने को मिलेगा। बात करते हैं 10वां और आखिरी नियम की। तो जो 10वां और आखिरी नया नियम IPL में अप्लाई किया गया वो किया गया IPL के फाइनल को लेकर। दरअसल IPL के फाइनल में अगर यहाँ पर दो बार सुपर ओवर होता है और दो बार सुपर ओवर होने के बाद भी यहाँ पर रिजल्ट डिसाइड नहीं होता है, दोनों बार अगर दोनों टीमों का बराबर यहाँ पर स्कोर हो जाता है तो बाउंड्री के यहाँ पर हिसाब से फाइनल का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, बल्कि रैंकिंग के आधार पर रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पॉइंट्स टेबल जो यहाँ पर होती है लीग स्टेज के आखिर में पॉइंट्स टेबल में जो टीम नंबर वन पर रहेगी उसी टीम को ट्रॉफी मिलेगी, और अगर फाइनल वॉश आउट हो जाता है, रिजर्व डे के दिन भी बारिश आकर वॉश आउट हो जाता है, तो इस केस में जो टीम यहाँ पर पॉइंट्स टेबल में नंबर एक पर रही थी उस टीम को ट्रॉफी दी जाएगी। तो इस प्रकार का भी अब BCCI ने नियम IPL में लागू कर दिया था। 10 नए नियमों 10 बदलावों के साथ हमें IPL 2023 का एडिशन देखने को मिलेगा। आप कमेंट करके बताइए आपको कौन सा नियम कौन सा बदलाव आखिर सबसे बढ़िया लगा और कौन सा सबसे बेकार लगा, आप कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।